स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड, आज आप अपने साइंस का लेसन सिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ओके, लेसन सिक्स है बच्चों, जल एवं वायु। ठीक है, जल पानी, वायु मतलब हवा। सभी जंतुओं को जीने के लिए जल एवं वायु की बहुत आवश्यकता होती है, तथा वायु के बिना जीवन की कल्पना, यानी जल और वायु यानी हवा और पानी के बिना हम जी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि हम जी पाएंगे। जल ही जीवन है, हमें मालूम है। अब देखिए, ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त अनमोल उपहार है, यानी ये हमें प्रकृति से मिला हुआ है। ठीक है, जो हमें वर्षा, नदी, तालाब, झील, झरने आदि और भूमि के अंदर से भी मिलता है। पृथ्वी के 70% भाग पर जल है। जल पीने के अतिरिक्त कपड़े धोने, बर्तन धोने, भोजन पकाने, स्नान करने आदि के काम आता है। अब देखिए जल के गुण, जल के गुण क्या है बच्चे? पहला, जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, पारदर्शी द्रव है। रंगहीन मतलब इसका कोई रंग नहीं, गंधहीन मतलब इसमें कोई गंध नहीं होती है, स्वादहीन कोई स्वाद नहीं होता, पारदर्शी मतलब इसमें आर पार दिखाई देता है। जल का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, जिसमें ये डाला जाता है ये उसी का आकार ले लेता है। तीसरा इसका गुण है कि जल में अधिकतर पदार्थ घुल जाते हैं। अब देखिए जल की अवस्थाएं, जल की कितनी अवस्थाएं होती है बच्चा? जल की तीन अवस्थाएं होती है। पहली होती है ठोस, ठोस होती है जब हम जल को फ्रीजर में रखते हैं तो वो बर्फ बन जाता है। ठीक है, 0 डिग्री तापमान पर जल से बर्फ बन प्रारंभ हो जाती है। द्रव क्या होता है कि जल प्राय द्रव अवस्था में ही पाया जाता है। हम जल की द्रव अवस्था का ही प्रयोग दैनिक जीवन में करते हैं। तरल रूप में पाया जाता है, तरल रूप में ये बह सकता है। गैस, जब जल को हम ज्यादा गर्म करते हैं तो उसमें से भाप निकलती है। जल का यही रूप जो होता है वो गैस कहलाता है। जल को गर्म करने पर जल वाष्प बनती है, हम इसे देख नहीं सकते। जल 100 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, अब बताएंगे कि जल का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है। तो देखिए, जल को ज्यादा गर्म करें या ठंडा करें तो इसकी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ये बदल जाता है। यदि हम बर्फ को गर्म करते हैं, तो पहले ये जल बनता है और अधिक गर्म करने पर ये भाप में बदलने लगता है, और जब हम भाप को ठंडा करते हैं तो पहले ये जल में बदलता है और फिर से ये बर्फ का रूप ले लेता है। अब देखिए, भाप का वाष्प का जल में बदलना संघनन कहलाता है, यानी भाप या जल या वाष्प का जल में बदलना संघनन कहलाता है। ठीक है, और जल का बर्फ में परिवर्तन होना हिमकरण कहलाता है, तथा जल का वाष्प में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है ना बच्चों? अब देखिए, जल में चक्र कैसे होता है। जल जो होती है विभिन्न अवस्थाओं में पृथ्वी पर हमारी प्रकृति में कई रूप में पाया जाता है, और जल चक्र निरंतर चलता रहता है। अब देखिए, सूर्य की गर्मी से समुद्र, नदी, तालाब आदि का जो जल वाष्प है, मतलब पानी जो होता है वो जल वाष्प बन जाता है। ठीक है, और ये जलवाष्प जो होता है वो अधिक हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है और वायु में चली जाती है, यानी बाहर हवा में चली जाती है वायुमंडल में, और ठंडक पा करके ये जो है इस ठंडक मतलब ठंडक पा करके इसका रूप जो होता है वो बदल जाता है, और इसका मतलब संघनन हो जाता है, इसको इससे बादल बन जाते हैं। और वायुमंडल का तापमान और कम होता जाता है, जैसे ही कम होता है तो जल जो होता है वो बूंदों के रूप में बरसने लगता है। बादल वायु के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। ठीक है ना बच्चों? अब अधिक ठंडी वायु से होकर गुजरते हैं तो जो कौन बादल तो जल जो होता है वो जमकर ओला बन जाता है, और बूंदों के स्थान पर ओले गिरते हैं। ठीक है, जब मतलब ज्यादा ठंडा हो जाता है तो ओले बन जाते हैं, परंतु जब बादल बहुत अधिक ठंडे स्थानों से होकर गुजरते हैं तो पानी बर्फ के छोटे छोटे गोलों या क्रिस्टल के रूप में गिरता है, यह हिमपात कहलाता है ना बच्चों? अब देखिए, इस प्रकार जल का वाष्प में बदल कर वायुमंडल में जाना, ठीक है, और बादल बनने के बाद, जैसे देखिए बादल बनने के बाद वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर आ जाना जल चक्र कहलाता है। ठीक से सुनिए बच्चों फिर से, कि जैसे जल का वाष्प में बदल कर वायुमंडल में जाना, बादल बनने के बाद वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर आना जल चक्र कहलाता है,
आगे हम आपको सेकेंड पार्ट में पढ़ाएंगे।